ये कोई सपना होगा। कौन है? केटी, मुझे डराना बंद करो, ये फनी नहीं है। हे भगवान, किटी अब खाना बंद भी करो, सोने का टाइम हो गया है। मैं आ रही हूँ एक मिनट में। मामा। अरे क्या हो गया बेटा? माँ, मेरे कमरे में राक्षस है, वो मुझे ले जाना चाहता है। ये बेवकूफ फिर से कहानियाँ बना रही है। मैं कहानियाँ नहीं बना रही हूँ, वो वहाँ पर्दे के पीछे था। शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक है, बस ये एक बुरा सपना था। हाँ चलो मैं तुम्हें एक फेरी टेल सुनाती हूँ। हाँ मैं उस कमरे में नहीं जाना चाहती और अब मैं वहाँ नहीं सोऊंगी। अरे डरती नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, चलो। क्या बेवकूफ है। किटी कैसी को जल्दी जगाओ, देखो स्कूल का टाइम हो गया है। हाँ माँ। उठो उठो छोटी बच्ची। केसी उल्लू बनाना बंद करो, उठो। केसी केसी उठो, केसी मॉम। चिल्ला क्यों रही हो, क्या हुआ? केसी उठ नहीं रही है माँ। देखो तो, केसी केसी डार्लिंग उठो बेटा, केसी केसी उठो जल्दी, केसी केसी। डॉक्टर इसे क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बेटी को? मुझे नहीं पता। क्या मतलब आप नहीं जानते? इसके सारे वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल हैं और ये कोमा में भी नहीं है, कोमा में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये उठ क्यों नहीं रही मैं नहीं जानता। डॉक्टर कुछ तो करो, हमारी मदद करो प्लीज। मैंने इसे अपनी सारी दवाई देके ट्राई कर लिया है लेकिन इस पे कुछ होता ही नहीं है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तुम क्या गिरते रहते हो? ये क्या हो रहा है? मैं कंफ्यूज्ड हूँ। कोई भी नहीं है। उसने सारा सामान कमरे में इधर उधर बिखेर दिया। कौन सी चीजें? लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ माँ, उसने मुझे तंगी से भी मारा था। बेटा तुम्हें स्ट्रेस हो गया है, देखो केसी के साथ जो भी हुआ वो भयानक है, शायद इसी वजह से तुम्हें भी भ्रम हो रहा है। काश केसी जाग जाए। ये लो किटी, ये तुम्हारे लिए। क्या एक बेबी मॉनिटर? हाँ, अब तुम्हें केसी के कमरे में हर वक्त नहीं बैठना पड़ेगा, वहाँ जो कुछ भी गलत होगा तुम सुन पाओगी। लेकिन माँ मुझे बाहर जाना था। जब मैं काम से वापस आऊँगी तब तुम चली जाना। अच्छा अब मजे करो। बाय। क्या कबाड़ दे गई माँ। ये क्या चल रहा है? मैं यहाँ हूँ, मुझे उसकी जरूरत है, उसे मुझे दे दो, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसे छोड़ दो, मुझे वो चाहिए, उसे छोड़ दो, छोड़ दो उसे। केसी
यहाँ पर क्या चल रहा है? किटी? सैक, तुम हो? ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है? पता नहीं, लेकिन हमारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। देखो, ऐसा ना कि तुम्हारी बहन अभी अभी बीमार हुई है तो तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेस होगा और वहम हो गया होगा। नहीं, कोई यहाँ केसी के कमरे से बात कर रहा था। मैं आ गई। ओ जैक, कैसे हो? माँ, क्या बात हो गई? तुम डरी हुई लग रही हो। मैं किचन में थी और केसी को कोई छोड़ने के लिए बोल रहा था, मैंने बेबी मॉनिटर में सुना। बस बहुत हो गया किटी, एक तो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, केसी जाग नहीं रही है, और एक तुम हो कि ऊट पटांग डरावनी कहानियाँ बनाकर परेशान कर रही हो। लेकिन माँ, मैं सच कह रही हूँ। बस चुप हो जाओ, अब अपने कमरे में जाओ तुम। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी कुछ काम है। ठीक है, बाय। ओ मेरी प्यारी बच्ची, काश तुम जल्दी जाग जाओ। हे भगवान, ये सब क्या है? किटी, ये सब क्या हो रहा है? माँ, आप चीजें क्यों फेंक रही हो? ये सब क्या शरारत है? हाँ, कैसी शरारत? देखो, ये कहाँ से आया? हाँ, तुम नहीं जानती? हाँ, ये केसी की चादर है। ओ नहीं, ये वही राक्षस है जिसके बारे में मैंने कहा था, ये वही है पक्का। अपनी इस फालतू की एक्टिंग को बंद करो, मैं इन राक्षसों की बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। आपने केसी का भी यकीन नहीं किया था और अब वो जाग नहीं सकती। चुप रहो, अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत केसी के साथ की या दोबारा तुमने राक्षसों वाली बात दोहराई तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मिसेस क्रिस्टी, किटी, मैं आ गई। टीना, मैं खुश हूँ कि तुम आई। और मैं बहुत खुश हूँ। अरे अरे, मेरी प्यारी भतीजी मिसेस क्रिस्टी। चलो अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के चाय पीते हैं। तो तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ, मुझे लगा था कि तुम 2 हफ्ते बाद आने वाली हो। मैं यही बात करना चाहती थी। मैंने सपने में आपका घर देखा। सपना? हाँ, जानती हूँ इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, बहुत अंधेरा और डरावना था। मैंने देखा कैसी के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था और मैंने अंदर झांका तो तुम कौन हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि उसे कैसी चाहिए। देखो बेटा, ये सिर्फ एक बुरा सपना है। पता है, लेकिन सब बहुत असली लगा। मैं अभी भी उसका भयानक चेहरा देख सकती हूँ। क्या हुआ? वो यही पर है, वो राक्षस यही है। टीना, क्या तुम ठीक हो? हाँ, बेहतर हूँ, शायद बस भ्रम हुआ था, कोई राक्षस नहीं है। मुझे यकीन है तुम पर, मेरे कमरे में भी बहुत ही अजीब चीजें हुई हैं। शायद तुम्हारी माँ सही है, कैसी की टेंशन में हमें बस भ्रम हो रहे हैं, हमें इससे निकलना होगा। तो तुम क्या सजेस्ट करती हो? क्यों ना अपने फेवरेट कैफे चले। लेकिन केसी को कौन देखेगा, माँ तो काम पर है। मैंने पहले ही इसकी व्यवस्था कर दी है। हेलो किटी। जैक, तुम केसी की देखभाल के लिए तैयार हो? अगर बात तुम्हारी है तो तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शुक्रिया। तो ठीक है, हम जल्द वापस आएंगे, कुछ काम हो तो कॉल करना। चलो दोनों संभल कर जाना। ये क्या बकवास है? ये क्या गिफ्ट है? आखिर ये किसके लिए होगा? शायद केटी के लिए होगा, आएगी तो दे दूंगा। अरे वाह, एक और। ओ, यहाँ पर एक और है। बाप रे, कितनी चॉकलेट खा ली आज मैंने। अरे बाप रे, भसड़ हो गई। ये मिट्रा क्यों नहीं है? लगता है साला टिश्यू पेपर ही खराब है।
कौन हो तुम चुड़ैल? आखिर यहाँ कर क्या रही हो? अच्छा टाइम बीता। हाँ, मुझे सच में ऐसे आराम की जरूरत थी। आराम से। जैक, क्या हुआ? वहाँ पर चुड़ैल दुल्हन बन के खड़ी है। क्या, दुल्हन? हाँ, वहाँ पर दुल्हन के भेष में एक सफेद कपड़े में औरत खड़ी है और वो औरत बड़ी खौफनाक लग रही है। उसे देखकर तो मेरी चीख निकल गई थी और ऐसा लगता है किसी को भी वही सफेद वाली औरत मारना चाहती है। ठीक है, तुम चल के हमें दिखाओ कि तुमने उसको कहाँ पर देखा और हम इसका कुछ हल निकालेंगे। मैं उसे दोबारा देखना नहीं चाहता, वो तुम्हें भी मार देगी। मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। अरे नहीं, अब यहाँ पर एक दुल्हन भी आ गई। हमें मिसेस क्रिस्टी को तुरंत बताना होगा। मैं कॉल करती हूँ। नहीं, माँ यकीन नहीं करेगी। वो कहेगी कि ये हमारी कोई शरारत है और फिर हम पर ही चिल्लाएगी। हाँ, तुम सही हो। बेहतर होगा उन्हें कुछ ना बताया जाए। क्या है, एक भी फोटो अच्छी नहीं आई है। ओ, आईने में सेल्फी लेके देखती हूँ। ओ, बस भ्रम था। नहीं, हे भगवान। हाँ, मैं अभी बात नहीं कर सकती। वो अभी भी यहाँ है। यहाँ से निकलना होगा। नहीं, प्लीज। तुम्हारे ग्रेड इतने गिर कैसे गए? तुम्हें तो हमेशा ए प्लस मिलता था। आप सीरियस हो? यहाँ पर जो हो रहा है उसके बाद में पढ़ाई पर कैसे फोकस करूं? तुम अपने आलस को इन सब चीजों का बहाना मत बनाओ। ये बहाना नहीं है। केसी जाग नहीं रही है माँ। इस घर में जरूर कोई शैतान है। मैं खा नहीं सकती, मैं सो नहीं सकती, मुझसे कुछ नहीं होता है। लेकिन मेरा बच्चा, देखो तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचना ही होगा ना। कौन सा फ्यूचर? इस प्रेजेंट के साथ कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। अपनी ये बकवास बंद करो। देखो, केसी के साथ पहले ही बहुत बुरा हो गया है, अब तुम अपना ये नाटक बंद करो। तो अब मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम हूँ? तो अच्छा होगा ना कि अगर केसी की तरह मैं भी ना जागूं। किटी, देखो मैं क्या। ये क्या चीज थी? टीना, क्या हुआ तुम्हें? ये वो, क्या वो लाल चेहरे वाला राक्षस आया था? नहीं, वो दुल्हन, उसने मुझे पकड़ा और गायब हो गई। मिसेस क्रिस्टी, प्लीज मुझ पर यकीन करें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, टीना को देखो, वो कितनी ज्यादा डरी हुई है। हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं माँ। जैक ने भी उस दुल्हन वाले भूत को देखा था। तो ठीक है, अब एक्शन लेने का टाइम है। हेलो लड़कियों। हेलो। ये लिली है और ये एक साइकोलॉजिस्ट है। हाँ, मैं मदद करने की कोशिश करूंगी। अपना हाथ दो। तुमने दो को देखा है और तुमने सिर्फ एक को। वे कौन है? आत्माएं? सिर्फ आत्माएं नहीं, वो राक्षस हैं। अच्छा, तो वो हमसे क्या चाहते हैं? राक्षस सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, ह्यूमन बॉडी पर कब्जा और दुनिया में बुराई फैलाना। वो किसी पर कब्जा करना चाहते हैं? मेरी बहन। हाँ, केसी की आत्मा एस्ट्रल प्लेन में एंटर कर चुकी है, वो वहाँ से नहीं लौटेगी। इससे पहले राक्षस कब्जा कर ले, हमें मदद करनी होगी। चिंता मत करो किटी, केसी को बचा लेंगे। बस बहुत हुआ तुम्हारा, अपनी इस जादुई विमान की बातें बंद करो। माँ, मैंने तुम्हें यहाँ लड़कियों के दिमाग को शांत करने के लिए बुलाया था, ना कि उनके दिमाग में राक्षसों की कहानियाँ भरने के लिए। चली जाओ यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखना। रुकिए प्लीज, प्लीज रुक जाइए। मैं मिसेस क्रिस्टी की इजाजत के बिना नहीं कर सकती, सॉरी। माँ, ये आपने क्या किया? अब हम केसी को दोबारा नहीं देख पाएंगे। मेरा प्यारा बच्चा, तुम
कब जागोगी? क्या तुम्हें अपना फेवरेट खिलौना चाहिए? अरे ये क्या है? ये लाल चेहरे वाला राक्षस, एक दरवाजा, मियां लेटी हुई है और उसकी आत्मा उसके बगल में है, एक और राक्षस, ये सब क्या है? इसका मतलब वो साइकोलॉजिस्ट यही कह रही थी। तो ये सच है और तुम सब जानती थी, इसका मतलब तुमने सच में इसे जादू विमान में देखा है। आपने क्यों बुलाया हमको यहाँ? ये देखो, ये कैसी ड्रॉइंग्स हैं? ये तो वही मेरे सपने वाला राक्षस है। ये किसी की ड्रॉइंग्स है? उसने भी उसे देखा था अपने सपने से पहले। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए था। मम्मी, मिसेस क्रिस्टी, रोइए मत, हम कैसे की मदद करेंगे? लेकिन हम उसे अकेले नहीं संभाल सकते। मुझे उस साइकोलॉजिस्ट को नहीं भगाना चाहिए था, हमें उसे फिर से बुलाना पड़ेगा। तो अच्छी बात है कि आपने मुझे वापस बुलाया। एक दूसरे का हाथ पकड़ो। हम क्या करने वाले हैं? केसी से जुड़ने की कोशिश करो। केसी, तुम यहाँ हो? केसी, तुम्हारा परिवार यहाँ है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। स्वीटी, वो कौन है? हम तुम्हें कैसे ढूंढ सकते हैं? वे आ रहे हैं, वे मेरी बॉडी ले लेंगे। हाँ, वो मुझे बात नहीं करने दे रहा। राक्षस उसे बॉडी के पास नहीं जाने देगा। केसी, ये क्या हो रहा है? वो केसी के कमरे में है। मेरी बच्ची, मेरी डार्लिंग, यहाँ आखिरकार क्या हुआ है? ये राक्षस है, हर दिन मजबूत हो रहा है। हाँ, तैयार हो क्या? ये लो। ये क्या है? ये है शांति की दवाई। और आप? मैंने पहले ही पी लिया है। तो बताओ, केसी जादुई विमान में कैसे पहुंची और हम उसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं? आपकी बेटी ने एस्ट्रल प्लेन में खोई हुई एक लड़की को बचाने की कोशिश की, और क्रिस्टी, तुम उसे बचाओगी। क्या? शरीर को छोड़ने और एस्ट्रल प्लेन में प्रवेश करने का गिफ्ट विरासत में मिलता है। केसी को ये गिफ्ट आपसे मिला है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये सब क्या बोल रही हो? ये राक्षस तुम्हें बचपन में परेशान करता था, और तुम्हारी माँ ने मुझे उस राक्षस से छुटकारा पाने के लिए बुलाया था। लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मैंने हिप्नोसिस के यूज से तुम्हारी यादें मिटा दी थी। तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि तुम पूरी जिंदगी डर में जियो। वाह, क्या बात है। तो क्या अब मुझे सूक्ष्म विमान में जाने, राक्षसों से लड़ने और किसी को वापस लाने की जरूरत है? हाँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ। नहीं, अगर राक्षस माँ को ले गया तो ये मैं करूँगी। लेकिन कुछ नहीं, आपने कहा था कि ये गिफ्ट हमें विरासत में मिला है, इसीलिए ये मैं कर सकती हूँ। नहीं मेरी बेटी, अगर किसी वजह से तुम वहीं रह गई तो? ऐसा नहीं होगा, मैं केसी के साथ वापस आऊँगी। चलो शुरू करें। अगर तुम तैयार हो तो चलो। अपनी आँखों को बंद कर लो, गहरी सांस लो और आराम करो। जैसे जैसे तुम सांस लेती जा रही हो, तुम गहराई में जा रही हो। पेंडुलम की आवाज को ध्यान से सुनो। अपने माथे के सेंटर पॉइंट पर फोकस करने की कोशिश करो। ब्रह्मांड अमर है, क्योंकि ये असीम और अनंत है। हद है, ये काम नहीं कर रहा है। यह काम कर गया? तुम एस्ट्रल प्लेन में हो, मेरी आवाज एक साइन है। चलते रहो, केसी को ढूंढो। आगे क्या है? ये क्या है? एक टॉर्च। हाँ, ये तो काम आएगा। कौन हो तुम लोग? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? केसी, कहाँ हो तुम? कौन है केसी? तुम हो? कौन हो तुम? मुझे तुमसे डर नहीं लगता। केसी,
किटी, उसे मत छूना, उसे डिस्टर्ब मत करो। उसे हो क्या रहा है? एक राक्षस ने किटी पर हमला किया है, उसे इसे हराना होगा। और अगर वो उसे नहीं हरा पाई तो? अगर वो राक्षस जीत गया तो? मुझे वहाँ पर भेज दो, मुझे मेरी बेटियों के पास भेज दो प्लीज। ठीक है शांत हो जाओ, क्या तुम तैयार हो? हाँ। अपनी आंखें बंद करो, सांसों को छोड़ो, आराम से केवल अपनी बेटियों के बारे में सोचो, उन्हें महसूस करो, उनके साथ रहना। मेरी बेटियाँ, मेरी बेचारी बेटियाँ। शांत, तुम्हें फोकस करने की जरूरत है। मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं जब भी अपनी आंखें बंद करती हूँ मुझे एक ही ख्याल आता है कि वो राक्षस मेरी बच्चियों को परेशान कर रहा है। मेरी बात सुनो, राक्षस नहीं चाहते कि तुम वहाँ जाओ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। खुद को संभालो, तुम टीना और केसी के लिए एकमात्र उम्मीद हो। हाँ, मैं इस बात को समझती हूँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, फिर से कोशिश करते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे दूर रहो। तुम्हें क्या चाहिए? छोड़ दो मुझे। उससे दूर हो जाओ। गुहन, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सूक्ष्म विमान में फंसी हूँ और बाहर नहीं आ पा रही। केसी मेरे लिए आई थी लेकिन वो खो गई। तो इसका मतलब केसी तुम्हारे लिए आई थी, हमें उसे जल्द से जल्द वापस शरीर में लाना होगा। मैंने यहाँ हर जगह ढूंढा है, अब सिर्फ एक ही जगह बची है जहाँ वो हो सकती है। चलो चले। जाने दो मुझे। कैसे रो रही है? मैं अपनी बहन के लिए आई हूँ और तुम मुझे नहीं रोकोगी। कैसे? मैं आ रही हूँ। कैसे? कैसे कहाँ हो तुम? किटी, तो तुम हो? चलो मेरी बहन, उठो यहाँ से, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो यहाँ है। उसके पकड़ने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा। वो मेरी है। वो वहाँ कब तक रहेंगे? हमें केसी मिल गई। किटी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी आवाज को फॉलो करो। किटी, किटी, मेरी बात सुनो, सुनो ना किटी, जल्दी करो केसी। वो मेरी है। मुझे उसे दे दो तुम। नहीं। किटी, मेरी आवाज को फॉलो करो किटी। टीना, नहीं, हटो, चलो यहाँ से। केसी यही आसपास होगी। ये लोग फिर से आ गए। चले जाओ। अब तू नहीं बच पाएगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम उन्हें कैसे हरा सकते हैं? मुझे नहीं पता। तुम्हें मरना होगा। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? वो कहाँ गए? आत्माएं ऐसे गायब नहीं होती। इनकी किसको परवाह, हमें तो अपनी बेटियों को ढूंढना है। वो अब हिल नहीं रही है, क्या वो ठीक है? हाँ, लेकिन हम नहीं हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो खोई हुई आत्माएं हैं, ये हमारी दुनिया में घुस रही हैं।
कमाल हो गया। केसी के साथ कमरे में जाओ, जब वो उठेगी तो किसी को वहाँ रहना होगा। ठीक है। केसी, ये भयानक है। क्या तुम्हें याद है हम बचपन में एक साथ कैसे खेलते थे? जब तुम छोटी थी तब तुमने मुझे बदमाशों से कैसे बचाया था? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मम्मा, केसी, ग्वेन, तुम कहाँ से आई? वो सूक्ष्म विमान में फंस गई थी और मैं उसे बचाने आई हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फाइनली अब हम सब एक साथ हैं। अब बस हमें अपने शरीर में वापस लौटने की जरूरत है। मुझे याद किया क्रिस्टी। जाने दो मेरी माँ को। मैंने कहा ना वो मेरी होगी। नहीं। मुझे मत छूना। मुझे छोड़ो। नहीं। उठो, उठो। हम उसे ढूंढ लेंगे। और हम राक्षस को हरा देंगे। कम ऑन। केसी कहाँ पर है? मैं यहाँ हूँ। केसी, राक्षस कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो चला गया। तो फिर हमारे भाग निकलने का यही एक मौका है। बचकर कहाँ जाओगे? जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम सबको ले जाऊंगा। छोड़ो मुझे, जाने दो। मैंने तुम्हें लेने के लिए सालों तक इंतजार किया है। अब मैं तुम्हें हर हाल में ले जाऊंगी। मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे नहीं डरती। तुम डरी हुई हो? नहीं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर से बाहर निकल जाओ, मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो। चली जाओ यहाँ से। बाहर निकलो यहाँ से। तुम चली जाओ। तुम ठीक हो? नहीं, वो दुल्हन, वो मैंने उसे भगा दिया। निकल जाओ यहाँ से। तुमने बहुत अच्छा किया। मेरी बेटिया कहाँ है? कुछ हुआ तो नहीं उन्हें? किटी, इसे क्या हुआ? जगाओ इसे। नहीं, उसे खुद उठना होगा। मेरी बेटी। मॉम, मैं वापस आ गई। हाँ, लेकिन कैसे? शैतान ने तो हम पर हमला किया था। अब ये मत कहना कि वो किसी को ले गया। मुझे नहीं पता। ये सब कब खत्म होगा? टीना, कैसी, तुम जा गई? मैं जिंदा हूँ, मैं घर पर हूँ। खाओ मेरी बेटी, अच्छे से खाओ, खूब खाओ। और देखो मैंने ना एक ड्रिंक भी तुम्हारे लिए बनाई है। और ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, अच्छे से खाओ। शुक्रिया। ना, मैं बहुत भूखी हूँ। खाओ बेटा, खूब खाओ, अच्छे से खाओ। मुझे दुख है, मैंने पहले तुम पर विश्वास नहीं किया। जरूरी है कि आपने मुझे बचा लिया और अब सब खत्म हो गया। मुझे खुशी है कि आप सब वापस आ गए। मुझे भी। अब कोई राक्षस तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वो हमेशा के लिए एस्ट्रल प्लेन में फंस गया है और यहाँ नहीं पहुँच सकता। अगर केसी फिर से वहाँ पर फंस गई तो? नहीं, मैंने उसकी क्षमताओं पर रोक लगा दी है। अब तुम सब के लिए सब ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे परिवार को बचा लिया। अरे नहीं, क्या हुआ? गुहर, वो अभी भी वही है। हाँ, अगर राक्षस ने उसे पकड़ लिया तो? ये तो बहुत बुरा हुआ। ग्वेन एकदम ठीक है और जल्दी ही तुम ये खुद देखोगे। वो कौन है? मैं देखती हूँ। नहीं, मैं खोलूंगी। हाँ लड़कियों रुको, मैं भी आती हूँ।
विमान से बाहर कैसे निकली? मुझे नहीं पता, मैं बस अपने बिस्तर से उठी और बस इतना ही। तो इसका मतलब अब से तुम हमारे साथ हो? बिल्कुल। तुम सूक्ष्म आयाम में फंसने से पहले कहाँ थी? ओह, ये एक लंबी कहानी है। ठीक है चलो। क्या तुम सब भी उत्सुक हो? तो चलो चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं हूँ भूत बना हुआ और मैं हूँ जैक और ये है मेरे साथ ग्वेन। तो आप सबके लिए खुशखबरी है कि ग्वेन अब से हमारे क्रेजी घर के परिवार में जुड़ेगी और हमारी वीडियोस में दिखा कर खुश है। अब तुम बोलो, ये नया नहीं है, पुराने वीडियोस में भी ग्वेन थी। सीधी बात, लो बकवास, बहुत टाइम बाद मिल रहे हम। हाँ, ये तो है। मुझे सच में तुम सबकी बहुत याद आई। हमें भी तुम्हारी याद आई। पुराने एक्टर्स कम हो रहे, नए एक्टर्स आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं हो चलेगा। तो वैसे ग्वेन, क्या तुम हमें बताओगी कि इतने लंबे वक्त के लिए तुम कहाँ गई थी और आखिर तुम कर क्या रही थी? फैंस को बताओ। पेरिस में पढ़ रही थी और वहाँ उब गई थी, इसीलिए मैंने तुम लोगों के पास वापस आने का फैसला किया। क्रेजी घर की वाइफ भी ऐसी है, हर कोई आना चाहता है। बिल्कुल सही। ग्वेन, तुम असल में क्या पढ़ रही थी? एक स्टूडेंट थी। ये तो टॉपर होते हैं। एक और सवाल, क्या फ्रेंच में तुम्हें टीचर से कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत वगैरह हुई? पहले बहुत मुश्किल था, मैं बहुत असहज थी और बहुत शर्मीली थी, लेकिन फिर मैंने किसी तरह से सीख लिया। तो क्या तुम हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ एक्सक्लूसिव बोलना चाहोगी फ्रेंच में उनके लिए, बस अपने फैंस के लिए? लव यू टिंटिन। बोलना चाहोगी कि फ्रेंच में उन्हें कोई अच्छा सा मैसेज दे दो? जय मे व्यू को क्रेजी घर। तो बोल दो, क्या तुमने क्रेजी घर को मिस किया या नहीं? हाँ, ये 50-50। बेशक यहाँ कई नए मेंबर्स हैं, लेकिन मैं पहले ही कई से मिल चुकी हूँ और बात कर चुकी हूँ और मुझे हमारी नई टीम सच में बहुत पसंद है। तुम्हारा पहला शूटिंग दिन कैसा रहा? तुम्हारा नहीं, हमारा। पहले से शूट अच्छा लगा कि नहीं, हमें बता दो ना। पहला और ना ही लगा। दरअसल पहला नहीं है। तो आज का दिन तुम्हारा कैसा था हमारे साथ, तुम्हें अच्छा लगा या नहीं लगा, बताओ? ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये नया प्लेस है, नया घर है, नए लोग हैं, लेकिन मैंने सच में इसका मजा लिया। इस शानदार दिन के लिए मैं सभी की बहुत आभारी हूँ। जब तुम टूर पे थी तो क्या तुमने क्रेजी घर का कोई वीडियो देखा? इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया? बेशक मैंने देखा। आखिरी वीडियो जो मैंने देखा वो मरमेट्स के बारे में था, जब तुम छुट्टियों से वापस आए थे। तो फिर से छुट्टी पे कब जा रही हो टीना, बताओ? अब तुम कौन सा रोल निभाना चाहोगी अभी इसके बाद? दरअसल मैं एक शैतान में ट्रांसफर होना चाहूंगी। वो बढ़िया, बहुत बढ़िया। शैतान बनो, शैतानी करो, बच्चों की तरह अच्छे से रहो, जिंदगी और क्या है, खेल कूद। तो इसका इंतजार करें। ग्वेन के शैतान बनने का। अपनी बात करो तो वो रोल बहुत ही शानदार। गाइस, मुझे भी बहुत खुशी है कि ग्वेन हमारे साथ है आज यहाँ पर और उसके एम्बुलेंस मत बुलाओ, मैं बच गया। जाओ जाओ, दूसरी बार मर जाती वो। कमेंट करके बताओ आज का एपिसोड कैसा लगा और मैं भूत बना हुआ कैसा लगा, ये भी बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करना और थम्स अप देना ना भूले। हमें लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए, हमें देखिए, बताइए कैसा लगा। हाँ, मैं इनके साथ हूँ। अब आखिरी और आपका फेवरेट पार्ट क्या है दोस्तों, बताइए क्या है? अब पहले गिर गया। नहीं, ऐसा नहीं करना, नहीं तो एक्शन। एक सेकेंड, ये बेकार था। कैसे? अरे डरे नहीं। अरे वाह, छोड़ दो, हो गया रिकॉर्ड।